गुड मॉर्निंग, दिस इज सौम्या। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक ब्लॉग कर रही हूँ। अब मॉर्निंग के बजे है 10:30 और मैंने मेरा सारा ब्रेकफास्ट और लंच का काम कर दिया है। सब ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए। तो फर्स्ट थिंग, जैसे ही सब लोग जाते हैं, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, बिकॉज कॉफ़ी मेरे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक्टिव रखने के लिए। मैं कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पीती हूँ, तो चलिए कॉफ़ी से शुरू करते हैं। और मैं फ़िल्टर कॉफ़ी बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी फ़िल्टर कॉफ़ी कैसे बनाया जाता है। तो कॉफ़ी से शुरू करते हैं आज का डे। तो बस कॉफ़ी बनाने के लिए फर्स्ट थिंग मैं दूध को गर्म कर लूँगी। सॉरी गाइज, मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ माइंड मत करना। तो गाइज, फर्स्ट एक्चुअली थोड़ा शुगर डाल देते हैं हम। एक सेपरेट बाउल ले लीजिए, फिर उसमें बनाएंगे कॉफ़ी। मिक्स करने से फिल्टर कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं बनती है, तो फर्स्ट थोड़ा सा एक ऐसे छोटा सा एक बाउल ले लें। और फिर ये है डिगॉक्शन, जो बोलते हैं जो कॉफ़ी का जो फिल्टर होके जो पानी निकलता है वो है ये। तो इसको भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। ये एक्चुअली अपने हिसाब से डाली है, मुझे थोड़ा थिक अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा करके डाला है। बट आप अपने हिसाब से डालिए। और फिर इसको हम दूध के साथ मिक्स करेंगे। हॉट मिल्क में ही बनाइएगा, तभी टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, बट मुझे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मैं और थोड़ा ही डाल दूंगी। और फिर इसको हम ग्लास में ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब आप ऐसे ग्लास में मिक्स करोगे तो ऊपर में फोम जमेगा। तो आप देख सकते हो ऐसे फोम जमेगा ऊपर में। तो दैट्स हाउ जनरली फिल्टर कॉफ़ी साउथ इंडिया में सर्व किया जाता है। तो इसको आप कप में डाल के, शुगर डाल के, और फिर वो कॉफ़ी का जो डिगॉक्शन होता है वो डाल के, स्पून डाल के मिक्स करोगे तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना आप ऐसे बनाओगे। तो ऐसे एक छोटा सा एक कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, और फिर इसको ऐसे करके मिक्स करिए। तो मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हम मग में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो कुछ ऐसे बनता है कॉफ़ी मेरा, फिल्टर कॉफ़ी। तो गाइज, ये जो फिल्टर कॉफ़ी बनाने के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला जो फ़िल्टर, ये ब्रास का है। ये मैंने रिसेंटली परचेस किया था, ये मैंने चेन्नई से लिया था। ऑनलाइन में ब्रास का तो अवेलेबल नहीं है, बट स्टील का मिल जाएगा। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो बेसिकली ये टू पोर्शंस में ऐसे डिवाइड हो जाता है, नीचे का ऐसे निकल जाता है और ये ऊपर का है। तो ऊपर का ये जो हिस्सा होता है ना, इसमें आपको कॉफ़ी पाउडर डालना होता है। और फिर डाल के सी कॉफ़ी पाउडर, आपको देखना है ये जो हिस्सा है ये कितना बड़ा है। तो अगर काफ़ी बड़ा होगा तो आप आराम से 7-8 स्पून तक डाल सकते हो। बट ये मेरा छोटा फिल्टर है, आप देख सकते हो ये छोटा है इसका साइज़। तो इसमें मैं 3-4 स्पून या मैक्स 5 स्पून तक डालती हूँ। और फिर इसमें आपको गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डाल के इसको आप इस तरह से, ये यहाँ पे एक इसी के साथ मिलता है जो ऐसे करके बंद हो जाता है ऊपर में। तो क्या होता है, इससे जो प्रेशर से आप बंद करते हो तो पूरा जो सॉलिड होता है कॉफ़ी का, जो सॉलिड पार्ट होता है वो यहीं पे रहता है, और फिर वो जो उसका लिक्विड डिगॉक्शन होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो आपको ऐसे करके बंद करके रख देना है। और ये ओवरनाइट करिए गाइस, सुबह में मत करिए, बिकॉज़ इसको बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको सुबह में कॉफ़ी पीना है तो आप ओवरनाइट इसको बना के रख दीजिए, और फिर सुबह में आप एंजॉय कर सकते हो। तो यही था फिल्टर कॉफ़ी का रेसिपी। तो गाइज, अभी कॉफ़ी पीना हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था। सुबह मैंने डोसा खाया था। मैं नॉर्मली इडली डोसा यही खाती हूँ, बिकॉज़ मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी शेयर किया है, मैं साउथ इंडियन हूँ,
तो मुझे ब्रेकफास्ट में इडली डोसा खाना ही पसंद हो कर ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे मैंने कल पोहा बनाया तो जैसे मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं थोड़ा अपना रूटीन चेंज करती हूँ, बट अदरवाइज डेली बेसिस पे 90% ऑफ द टाइम इडली या डोसा ही बनता है। और बहुत लोगों ने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में डोसा बैटर का रेसिपी भी मांगा है, तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मेरा। अभी तो डोसा बैटर है फ्रिज में बना हुआ, तो मैं नेक्स्ट बैच जब बनाऊँगी तो मैं शेयर करूँगी। तो अब 11 बज गया है, मेरी मेड अराउंड 11:30 को आती है, तो उसके पहले मैं थोड़ा बहुत घर को थोड़ा क्लीन करती हूँ, तो मैं वही दिखाऊँगी अभी आप लोगों को। तो चलिए थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम किया जाए। गाइज दिस इज द किचन, किचन का काम ऑलमोस्ट मैं हो चुका है बिकॉज ब्रेकफास्ट बन गया है, लंच भी बन गया है। मैं मेरे हस्बैंड को लंच पैक करा के देती हूँ तो लंच भी हो चुका है, तो किचन भी मोस्टली क्लीन ही है। मेरे सारे जो डर्टी वेसल्स होते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ, मैं पीछे के सर्विस रूम में डाल देती हूँ, तो यहाँ पे डर्टी वेसल्स नहीं रहता है। तो किचन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट क्लीन, बट द थिंग इज जैसे अभी मेड आएगी तो मेड काम करके जाने के बाद मैं पूरे स्लैब में स्लैब क्लीन नहीं है, एक्चुअली कैमरा में क्लीन दिख रहा है बट स्लैब क्लीन नहीं है, कुकिंग के बाद क्लीन नहीं हुआ है, तो वो सब मैं स्प्रे मार के क्लीन कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा सफाई का कीड़ा है, तो वॉट वो जितना भी क्लीन कर ले मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, तो वो मैं हमेशा दोबारा से ही करती हूँ। तो अदरवाइज किचन तो नॉर्मली कुकिंग के बाद ऐसे ही होता है। और फिर सर्विस रूम में दिखा देती हूँ, तो सर्विस रूम में आप देख सकते हो पूरे बर्तन हैं मेरे, कल रात के धुले हुए बर्तन हैं, वो भी मैंने नहीं निकाला है, तो वो सब काम अभी मैं करूँगी, बट उसके पहले मैं फर्स्ट बेडरूम को क्लीन करके आती हूँ। गाइस दिस इज़ द हालत ऑफ बेडरूम, जो सुबह के बाद कुछ ऐसे लगता है, सब डर्टी क्लोथ्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मुझे बेड पूरा अरेंज करना है, तो ये नॉर्मली एवरीडे बेसिस पे यही होता है, यहाँ पे सारे पिलोस पड़े हुए हैं नीचे, तो ये सब मुझे क्लीन करना है, और ये एवरीडे बेसिस का काम होता है तो ये मुझे करना ही है। और मैं बता दूँ गाइस, सुबह उठ के फर्स्ट थिंग अगर आप अपने बेड को क्लीन करोगे ना, डेफिनेटली यू विल फील सो पॉजिटिव, तो जब भी आपको टाइम मिले फर्स्ट थिंग आप बेड को क्लीन कर लेना, तो ऐसे लगता है पूरा रूम क्लीन हो चुका है। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं। गाइस एक्चुअली आप लोगों को बताना चाह रही थी, ये ऑर्किड है जो मैंने रिसेंटली परचेस किया, इसके जो फ्लावर्स है वो सारे झड़ गए हैं अभी, बट ये वाइट, दिस वन इज़ वाइट एंड दिस वन इज़ पर्पल, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा डंडा यहाँ से सूख रहा है, पूरे टिप से जो डंडे होते हैं ना इसके, ये पूरे सूख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा सूख गया है। तो ऑर्किड को आई डोंट नो, मैंने जहाँ तक सुना है पढ़ा है एवरीडे बेसिस पे वाटर नहीं देना चाहिए, तो
तो मैं नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार करती हूँ, एक बार नहीं दो बार करती हूँ। बट ये सूख क्यों जा रहा है? अगर आपके पास कोई टिप्स है ऑर्किड को कैसे मेंटेन किया जाए तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। गाइस ये है चावल का आटे का रंगोली का बैटर, तो इसको मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ और छोटा सा एक कपड़ा डाल के रखती हूँ, तो इसके हेल्प मदद से मैं रंगोली बनाऊँगी। और फ्रिज में रखने से थोड़ा टाइट हो जाता है, तो जब भी टाइट हो जाता है तो मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा इसे देख सकते हो थोड़ा लिक्विड ही बना देती हूँ, तो इस तरह से ईजी होता है रंगोली बनाना। तो चलिए अब मैं बाहर जाके रंगोली बना के दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इस तरह से बना है ये, अभी गीला है तो सूख जाएगा तो मैं बताऊंगी।